क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बतानी हमें क्या होगी। टेंजेंट स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस सेकेंड स्क्वायर 30 प्लस 5 कोस स्क्वायर 90 डिवाइड बाय कोसेकेंट 30 डिग्री प्लस सेकेंड 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले हम सभी की वैल्यू निकालेंगे। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3। टेंजेंट 60 इज √3। और साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या देगी, 1/√2। और सीकेंट 30 डिग्री क्या है हमारे पास, सीकेंट 30 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos 30। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/cos 30। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 30 + 90। तो ये क्या हो जाएगी, 1/sin 120 डिग्री आ गया। और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 60 माइनस करेंगे 180 में से तो √3/2 होती है। तो ये क्या हो जाएगी, 1/√3/2 यानी कि 2/√3। तो सेकंड 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0। cosecant 30 डिग्री, cosecant को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin 30। cosecant को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 2। अब हमें निकालना है सेकेंट 60 डिग्री। सेकेंट 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 1/cos 60 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1/sin 60 + 90 ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 1/sin 150 आ गया। और साइन 150 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/2। साइन 150 की वैल्यू क्या हो जाती है, 180 में 30 माइनस करेंगे और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमें निकालें कोट 30 डिग्री, तो यहाँ पे निकालें हम कोट 30 डिग्री। कोट 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 30 डिग्री। और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 यानी कि 1/√3 होती है हमारे पास टेंजेंट 30 की। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, √3। ओके, कोट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। अब हम इन सभी को इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये सारी हमारे पास वैल्यू आ गई क्वेश्चन में। टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 4 इनटू में साइन स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर प्लस 3 इनटू में सेकंड 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/√3 हो इसका स्क्वायर, तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 इनटू 0 क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या है, 0 डिवाइड बाय cosecant 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। तो 2 प्लस और secant 60 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, √3। तो माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी, 3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 4 इनटू में 1/2 प्लस 3 इनटू में 4/3 प्लस 0 डिवाइड बाय, क्योंकि 2/√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3। 1/√2 के लिए 1/2 आ जाएगा डिवाइड बाय में 2 प्लस 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आ गया, 3 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाय में 2 प्लस 2 प्लस माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, 4 2 और 3 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 9/1 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9। दिस इज द क्वेश्चन।